अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शाहीन, हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों 2022 बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा। कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़ दे तो बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस साल ना तो अक्षय कुमार चले, ना ही आमिर खान, ना ही रणवीर सिंह और ना ही शाहिद कपूर। इतना ही नहीं, इस साल अभी तक सलमान खान और शाहरुख खान की तो कोई फिल्म भी रिलीज नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया। इन फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में ऐसा धमाल मचाया कि इनके आगे बॉलीवुड की फिल्में और स्टार्स बौने साबित हुए। इन फिल्मों ने ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जमकर कमाई की और धमाल मचाया। आज आपको इस साल के उन टॉप 5 फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की। लेकिन खास बात यह है कि इस टॉप 5 में बॉलीवुड की सिर्फ एक ही फिल्म है और इस लिस्ट में तीनों खान का नाम गायब है। ना इसमें सलमान खान की कोई फिल्म है, ना ही शाहरुख खान की और ना ही आमिर खान की। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस साल 5 फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई की। इन 5 फिल्मों ने मिलकर करीब 3,639 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन वर्ल्ड वाइड शानदार रहे। इस साल वर्ल्ड वाइड पर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साउथ स्टार यश की KGF चैप्टर 2 है। इस फिल्म ने 1230 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं अगली फिल्म है SS राजामौली की फिल्म RRR, जिसने जमकर धमाल मचाया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1144 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कमाई करने के मामले में RRR टॉप 5 की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है कमल हसन की फिल्म विक्रम। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 426 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने तमिलनाडु में भी रिकॉर्ड कई सारे कायम किए हैं। अब अगली फिल्म की बात करें तो ये है बॉलीवुड से फिल्म और फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र। लिस्ट में अयान मुखर्जी डायरेक्टेड फिल्म ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 423 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और फिल्म अभी भी देखी जा रही है। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की। नेक्स्ट फिल्म है लास्ट इस लिस्ट की टॉप 5 फिल्मों की नंबर 5वीं फिल्म, मनी रत्नम की फिल्म पोनेनियन सेल्वन वन। पोनेनियन सेल्वन वन को चाहे हिंदी बेल्ट में सफलता नहीं मिली हो लेकिन वर्ल्ड वाइड और अदर लैंग्वेज में फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया है। फिल्म ने अपने रिलीज के 12 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 416 करोड़ रुपए की कमाई की है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन में से किसी की भी फिल्म इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। इस साल रिलीज हुई इन स्टार्स की फिल्मों में से एक ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखाया। बात इस महीने की करें तो दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार और अजय देवगन के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी, यानी कि क्लैश होने जा रहे हैं राम सेतु वर्सेस थैंक गॉड। दोनों ही फिल्में 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या इन दोनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म टॉप 5 की लिस्ट में जगह बना पाती है या नहीं। वेल, आपका क्या रिएक्शन है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज। Oh, 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 o